पृथ्वी लोक पर ये हमारे जीजाजी रह चुके हैं हाँ। और हम इन्हें प्यार से बबलुक पापा बुलाते थे। बबलुक पापा चुप। बबलुक पापा, हम आपको बता देना चाहते हैं कि पृथ्वी लोक पर आपका समय समाप्त हुआ है, इसलिए आप इस समय हमारे साथ यहाँ हमारे राज यमलोक में। आप सचमुच के भगवान हैं? चलिए प्रभु, बबलुक पापा अंततः मान ही गए। ए चुप, भगवान आप मेरा यहाँ भी मजाक उड़ा रहे हैं? पहले तो तुमने नहीं बताया कि तुम सचमुच के भगवान थे। बबलुक पापा, हमने कई बार आपको बताया कि तो आपने हमारी बात पर विश्वास ही नहीं किया, तभी तो हम आपसे कहते थे नादान बबलुक पापा। चलिए चित्रगुप्त जी, बबलुक पापा के जीवन का लेखा जोखा बताइए। जो आज्ञा प्रभु। बबलुक पापा ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। पत्नी धर्म और पुत्र धर्म भी इन्होंने उचित तरह पूरे स्नेह के साथ निभाया प्रभु। अद्भुत, गर्व है हमें आप पर बबलुक पापा, इसलिए हमारा यह आदेश है कि बबलुक पापा को स्वर्ग में ले जाया जाए। अरे मुझे नहीं जाना कहीं स्वर्ग लोक। ये मनुष्य है, स्वर्ग में जाने मना कर रहा है। क्या हुआ बबलुक पापा, आप स्वर्ग जाना क्यों नहीं चाहते? मुझे अपने घर वापस जाना है, स्वर्ग लोक क्यों जाऊंगा मैं? बबलुक पापा, ये तो असंभव है। तो संभव करो, क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो आपकी वजह से हूँ। क्या, हमारी वजह से? जी हाँ, आप ही ने मुझे उस भलाई श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए एक भलाई का काम दिया था ना। वो भलाई का काम करते करते जैसे ही मैं गाड़ी के आगे कूदा और यहाँ पहुंच गया। इसके जिम्मेदार आप हैं, नहीं तो अभी भी मैं सुकून से पॉलिसीज बेच रहा होता। प्रभु, बबलुक पापा बात तो उचित कर रहे हैं। बबलू के पापा हमेशा उचित बात ही करते हैं। आप ही ने कहा था ना भला काम करो, तो भला काम करने का यही नतीजा है कि मेरी जिंदगी मुझसे ले ली जाती है। उस भलाई का क्या फायदा? आज के बाद कोई भला काम करने का सोचेगा भी नहीं। इसके जिम्मेदार आप हो मिस्टर यमराज, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम और सिर्फ तुम हो। आप ही ने कहा था ना कि भला काम करने से मेरे सारे सपने पूरे होंगे। ये सपने पूरे हुए, देखो आज भला काम करके मैं कहां हूं। बबलुक पापा, आप बात तो उचित कह रहे हैं। हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हमारे कारण आपको अपने प्राण त्यागने पड़े, और क्योंकि आपका जीवन यमराज के कारण समाप्त हुआ है, हम यमलोक के राजा यमराज कहलाने के योग्य नहीं रहे हैं। प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी, हमसे भूल हुई है और इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए आज हम यमराज इस यमलोक की गद्दी को त्यागते हैं। हम ये राजपाट नृत्य के देवता कहलाने का अधिकार और ये मुकुट सब कुछ त्यागते हैं। रुक जाइए यमराज। ब्रह्मदेव, आप यमलोक त्यागने का अनर्थ नहीं कर सकते। किंतु ब्रह्मदेव, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। जो हुआ उससे हम भली भांति अवगत हैं यमराज। हम भी नहीं चाहते कि मनुष्य भलाई करने से संकोच करे, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम बलदेव पुत्र को वापस पृथ्वी लोक भेजेंगे। धन्य है आप प्रभु, धन्य।
मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? मैं कौन हूँ? आप उठिए, आइए आइए आइए। देखिए आप कौन हैं ये तो हम नहीं जानते, पर आपने बड़ी बहादुरी के साथ इस कार को रोक लिया। आप ठीक तो हैं ना? मैं पृथ्वी पे वापस आ गया। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, जिंदा। मैं बच गया आदमी। चलो चलो। हाँ हाँ आप जिंदा हैं, आई एम वेरी हैप्पी कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आपको पता है आपने कितनी बहादुरी के साथ इस कार को रोक लिया ये पत्थर रखकर, वरना ये लुढ़कती हुई किसी को चोट भी पहुंचा सकती थी और मुझे जेल भी हो सकती थी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बाय द वे आई एम सुनील अंबानी, इस शहर का जाना माना बिजनेसमैन। नौकरी, पैसा, आपको कुछ भी चाहिए बताइए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ये अंबानी तो इस शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति है, मांग लो इससे पैसा, नौकरी। नहीं नहीं, मैंने तो बबलू की कसम खाई है कि सच्चे दिल से सिर्फ भलाई करूंगा, कसम गलत खा ली मैंने। अंबानी बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरी तो पॉलिसी है सबकी भलाई करते जाना। अब मैं तो सिर्फ आपको एक श्रृंखला से जोड़ना चाहता हूँ, एक हाथ दे एक हाथ ले, मगर किसी और के लिए। मतलब देखिए, जैसे मैंने आपकी भलाई की है आपकी गाड़ी रोककर, वैसे आप किसी और अनजान आदमी के लिए भलाई करें और फिर उससे कहें वो किसी और के लिए करें। इसी तरह सब एक दूसरे की भलाई करते रहें, सादा जीवन, उच्च विचार। वाह, आप जैसे बहुत कम लोग इस दुनिया में जो इतना अच्छा सोचते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा। एक हाथ ले एक हाथ दे, मगर किसी और को। वाह, चलिए आपसे मिलकर खुशी हुई, थैंक यू सो मच। चलो भलाई तो कर दी मैंने, लेकिन मैं सच में यमलोक गया था कि वो कोई सपना था? कहीं मिस्टर यम सच के यमराज तो नहीं? इधर देखो स्कूल में ना मैं गोली चम्मच रेस का चैंपियन हुआ करता था, चैंपियन। और ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो गोली चम्मच रेस में चमन को हरा सके। हाँ प्रभु, चैंपियन अर्थात सर्वोत्तम। चमन पुत्र, आपको गलत फहमी हुई है, यहाँ पर एक ऐसे उपस्थित है जो गोली चम्मच रेस में सर्वोत्तम है। चित्रगुप्त जी बस कीजिए आप। नहीं प्रभु, हमें बोलने दीजिए। चमन पुत्र, यहाँ ऐसे एक सर्वोत्तम खिलाड़ी मौजूद है और वो है हम। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, आपको भी गलतफहमी हो गई है, गोली चम्मच दौड़ में हम सर्वोत्तम है, हम। नहीं प्रभु, बाकी सारी चीजों में, बाकी सारे खेलों में आप सर्वोत्तम है, किंतु गोली चम्मच रेस में सर्वोत्तम हम है। नहीं चित्रगुप्त जी, हम है। नहीं प्रभु, हम है चित्रगुप्त। अरे हम इधर देखो, मैदान खाली है, हो जाए गोली चम्मच दौड़ अभी के अभी, और फैसला कर लेते हैं कि गोली चम्मच दौड़ का चैंपियन है कौन हम तीनों में। हा? हो जाए। पर एक मिनट, गोलियां हमारे पास नहीं है। नहीं है, चम्मच जरूर है, और नींबू मैं अपनी दुकान से ले आऊंगा। हाँ। तो आज गोली चम्मच दौड़ की जगह हम करेंगे नींबू चम्मच दौड़। है? ठीक है। रे, क्या हो रहा है ये सब? क्या? चित्रगुप्त जी, बबलुक पापा यहाँ प्रतिस्पर्धा हो रही है हमारी। आज ये निर्णय हो जाएगा बबलुक पापा कि नींबू चम्मच दौड़ में सर्वश्रेष्ठ कौन है। हाँ। इधर देखो, बलदेव भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। ये लीजिए सीटी, आज के रेफरी आप। मैम, लीजिए सीटी बजाइएगा और वहां तक आइएगा। चलो। सच्ची के यमराज धरती पर गोली नींबू की रेस दौड़ रहे। बबलुक पापा, आप सोच क्या रहे हैं, बजाए ना सीटी। सब तैयार? रेडी। क्या
क्या ये दोनों सच में भगवान है या मैंने कोई सपना देखा था? मैं जीत गया। चित्रगुप्त जी, जी हमें प्रतीत होता है कि चमन पुत्र ने अवश्य कोई बेईमानी की होगी। प्रभु हमें भी प्रतीत होता है चमन पुत्र ने अवश्य कोई बेईमानी की है। बेईमानी तो आपने भी की होगी चित्रगुप्त जी, हमें शंका हो रही है क्योंकि जीतना हमें था। नहीं प्रभु, जीतना हमें था। ये कहां से भगवान हो सकते हैं, अवार्ड जीतने के लिए नींबू चम्मच की गेम खेल रहे हैं। चित्रगुप्त जी हमें इधर देखो, उधर देखो। मैं उधर सबसे पहले पहुंचा तो रेस कौन जीता? मैं। और नींबू चम्मच रेस का चैंपियन कौन हुआ? मैं, चमन। देखो एक मिनट, रेफरी कौन है? रेफरी मैं हूँ। तो मैं डिसाइड करूंगा कौन चैंपियन है, ठीक है? तो आज की गेम का चैंपियन है चमन। यस। बस वर्ल्ड कप थोड़ी जीता है, तो चैंपियन है आज चमन। अब तुम दोनों ध्यान से मेरी एक बात सुनो। मैंने एक सपना देखा था जिसमें तुम सच के यमराज और तुम सच के चित्रगुप्त लग रहे थे मुझे। हाँ, पर मैं भी नादान हूँ, ऐसे ही कुछ देख लिया होगा। हाँ बबलू पापा, आप बड़े नादान है। हे चुप, अब काम की बात सुनो। देखो भाई, भलाई का काम जो शुरू करना था वो मैंने तो कर दिया, और ऐसी भलाई की है जो दुनिया में किसी ने किसी के लिए नहीं की होगी, ठीक है? अब रही बात मेरा सपना पूरा होने की, तो अब मैं देखूंगा कि कैसे 7 दिन के अंदर पूरी दुनिया घूमने का सपना मेरा पूरा होता है। होगा बबलू पापा, अवश्य होगा। आपने जो परोपकार किया है उसका पुण्य आपको अवश्य मिलेगा, आपके साथ भी भला होगा। बस ये एक हाथ दे एक हाथ ले, किंतु किसी और को बंद नहीं होनी चाहिए। भाई साहब क्या हो गया? कोई गाड़ी वाला बेचारे भिखारी को टक्कर मार के चला गया है, बेहोश पड़ा है, कोई इसे हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहा है। वाह बबलू पापा, आप तो बहुत ही बढ़िया काम किए, उस कार को हाथ लगा के रोक दिया एकदम हीरो जैसे। क्या बात है बबलू पापा, हम तो ना बहुत ही प्रभावित हो गए आपसे और अपने भैया से भी। अरे क्या आइडिया दिया वो, एक हाथ दो एक हाथ लो और वो भी दूसरे को। वाह क्या बात है ना बबलू पापा। बिंदिया एक हाथ दे तो आया हूँ लेकिन अपने दोनों हाथ खाली लाया हूँ। वो सुनील अंबानी था, सुनील अंबानी जो भी मांगता यूं चुटकी में दे देता, लेकिन बस एक हाथ दे एक हाथ ले यही चिपका के आया हूँ। बबलू पापा आप ना बिल्कुल दिल छोटा मत करिए, बल्कि गर्व से सीना चौड़ा कर लीजिए। आज जो आप किए हैं ना उससे कितने सारे लोगों की मदद हो जाएगी, कितना भला किए हैं आप। अरे भाई अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेके जाओ उसे। हाँ मैं। हेलो सर, आप कहाँ हैं सर? फॉरेन डेलीगेट्स ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं आपका, अगर आप अभी नहीं आए तो वो डील कैंसिल कर देंगे सर। हाँ हाँ उन्हें बस बिठा कर रखो, मैं फटाफट पहुंचता हूँ, ठीक है? या अरे गाड़ी, अरे देखिएगा चित्रगुप्त जी, एक हाथ लेने के बाद मनुष्य एक हाथ देगा भी, ये हमारा विश्वास है कि भलाई की श्रृंखला रुकेगी नहीं। हेलो
सर आप कहाँ हैं सर? डेलीगेट्स पूछ रहे हैं कि कितनी देर में आ रहे हैं आप। हाँ मैं वो जैसे मैंने आपकी भलाई की है आपकी गाड़ी रोक कर, वैसे ही आप किसी और अनजान आदमी की भलाई करें और फिर उससे कहें वो किसी और के लिए करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी ये श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा। एक हाथ ले एक हाथ दे, मगर किसी और को। वाह सर क्या सोच रहे हैं आप? सर अगर ये डेलीगेट्स चले गए तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा सर, क्या बोलूं उन्हें सर? उनसे कह दो कि मैं अभी नहीं आ सकता। क्या कह रहे हैं सर? कंपनी के लिए ये डील बहुत जरूरी है सर। किसी की जिंदगी से ज्यादा तो जरूरी नहीं है ना। बाय। भाई साहब इन्हें जल्दी उठाइए और मेरी गाड़ी में बिठा दीजिए, मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ इन्हें। आइए। यहाँ बिठा दीजिए। अद्भुत चित्रगुप्त जी, समस्त पृथ्वी लोक पर ही मलाय से आनंदमय वस्तु और कुछ नहीं है। जी प्रभु। किंतु चित्रगुप्त जी आप ये दो हिमालय लेके क्या कर रहे हैं? प्रभु अब हमारे कुछ ही दिन शेष है पृथ्वी लोक पर, तो जाते जाते ज्यादा से ज्यादा हिमालय खाई जाए। चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी हमें भी हिमालय दीजिए ना। महेश पुत्र अगर तुम मनुष्य रूप में होते तो अपने आप जाके हिमालय खा सकते थे, लेकिन तुम तो ठहरे भैंसे और हम तुम्हें हिमालय देने से रहे। प्रभु हमारे हिमालय खा गए। अब चित्रगुप्त जी हम अगर मानव रूप में होते तो आपके लिए दूसरी हिमालय ले आते, परंतु हम तो भैंस हैं। किंतु आप हमारी हिमालय कैसे खा सकते हैं? प्रभु दूसरी हिमालय भी खा गए महेश पुत्र। महेश पुत्र आप कितने नक्कट हैं। अब समझ आया चित्रगुप्त जी कैसे खा सकते हैं? कोई बात नहीं चित्रगुप्त जी, हम आपको हिमालय खा के बताते हैं कि हिमालय का स्वाद कैसा है। प्रभु हमारी हिमालय कौन खा गया? प्रभु महेश पुत्र। महेश पुत्र नहीं महाराज, आपकी हिमालय खाने की गलती हम कभी नहीं कर सकते। महाराज हमें शंका चित्रगुप्त जी पर है। प्रभु हम आपकी हिमालय खाने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? तो फिर एक ही है जो हमारी हिमालय खाने का दुस्साहस कर सकते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। महाराज हम क्षमा चाहते हैं, किंतु आपको हिमालय खाते देख हम अपने आप को रोक नहीं सके। महाराज हम केवल इतना चाहते हैं कि जब तक आप पृथ्वी लोक पे हैं हम भी अधिक से अधिक हिमालय खाएं। महाराज नारायण नारायण। नारद जी आपने मनुष्य के सुधार में हमारी इतनी सहायता की है, हम आप पर अब क्रोध कैसे कर सकते हैं? नारायण नारायण। धन्यवाद महाराज। महाराज आपकी एक हाथ दे और एक हाथ ले वो भी किसी और को की श्रृंखला आरंभ हो चुकी है। महाराज महाराज मनुष्य एक दूसरे की सहायता करना शुरू कर चुके हैं महाराज, और महाराज देखते ही देखते सभी भलाई के मार्ग पे चलने लगे हैं। महाराज आप धन्य हैं। नारायण नारायण। अद्भुत समाचार है नारद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धन्य हम नहीं स्वयं मनुष्य है, क्योंकि हमने ये सुझाव मनुष्य से ही लिया है। किंतु प्रभु इस सुझाव को जनकल्याण के साथ जोड़ना ये तो आप ही का सुझाव था। यम है आप चित्रगुप्त जी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।